हाय गाइस, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से किसी भी जानकारी को आरटीआई के माध्यम से पाना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है। हर एक यूनिवर्सिटी यूजीसी से अफिलिएटेड होता है, तो आप अपने आरटीआई एप्लीकेशन को यूजीसी को मूव कीजिए और यूजीसी 5 दिन के भीतर भीतर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देगी और वो आपको जानकारी इंटरनेट और आपके घर पे लेटर द्वारा भी आ जाएगा। और इसके लिए आपको बस 10 या 11 रुपये खर्च करने होते हैं। करना क्या होगा इसके लिए, आप गूगल पे सिंपल लिखिए आरटीआई ऑनलाइन और जो सबसे पहला लिंक आएगा आप उसे क्लिक कर दीजिए। यह देखिए, पहला लिंक है rtionline.gov.in, इस पे आया है पहला व्यू स्टेटस। सेकेंड लिंक है सबमिट रिक्वेस्ट फॉर्म, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक ऐसा फॉर्म खुल कर आएगा। इस पे क्या कीजिएगा, जो सबसे पहली सर्च पब्लिक अथॉरिटी, इसमें लिखिए यूजीसी आएगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ही अपने आप आ जाएंगे डिपार्टमेंट और कंसर्न्ड सीपीआईओ। सीपीआईओ क्या होता है, तो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी होती है जो जानकारी को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाती है। फिर आप बेसिक इन्फो डालेंगे, जैसे कि अपना नाम, आपका जेंडर, हाउस नंबर। हाउस नंबर लिखते समय एक चीज़ों का ध्यान देना है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं करना है। पिन कोड डालिए, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कीजिए, स्टेट जो है आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और स्टेटस में आप रूरल या अर्बन अपने लोकेलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। अर्बन शहरी क्षेत्रों कहा जाता है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। फिर एजुकेशनल स्टेटस है, इस पे आप पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट सेलेक्ट कीजिए। फिर इसमें ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, तो जो भी आपका एग्रीगेट क्वालिफिकेशन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इलिटरेट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर लिखिए, दूसरा ईमेल आईडी लिखिए, वही ईमेल आईडी दोबारा डालिए, सिटीजनशिप इंडियन होगा। और अगर आप बीपीएल में आते हैं तो आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आरटीआई से मांगी गई हर एक जानकारी मुफ्त में, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप बीपीएल के अंडर नहीं आते हैं तो आप नो सेलेक्ट कीजिए। फिर आप देखेंगे यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप आरटीआई एप्लीकेशन में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वहाँ लिख डालिए। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं पहले से लिख रखा था, इसमें सेलेक्ट कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर आप अपने बारे में लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा आई प्रिय रंजन कुमार सन ऑफ मोहन प्रसाद गुप्ता रेसिडेंट ऑफ हाउस नंबर दिस एंड दिस, काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। आप उसके बाद जितने भी डिटेल्स को चाहते हैं नंबरिंग वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख सकते हैं। लास्ट में थैंकिंग यू, अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है नाम और थैंकिंग यू और मोबाइल नंबर डालना, ऐसे भी रहने देंगे। अगर मान लीजिए जो आरटीआई के थ्रू आप जानकारी मांग रहे हैं उसके लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे चूज फाइल करके पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो उसकी साइज 1 MB ही होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फाइल अपलोड नहीं होगी। फिर अगर कोई फाइल नहीं है, कोई फाइल अटैच नहीं करना है, तो आप उसे ब्लैंक पे छोड़ दे सकते हैं, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। और फिर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा सिक्योरिटी कोड में, तो जो भी होगा उसे डाल दीजिए, जैसे 3345 मैंने डाल दिया। फिर आपको सिंपली करना है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया खुल के, देखिए फी दिखा रहा है 10 रुपीज़। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो आपको भी पेमेंट मोड हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी नेट बैंकिंग यूज कर सकता हूँ। नेट बैंकिंग में सिर्फ यह है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर बैंक, यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे, हो जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पे बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी पे हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये प्रोसेस हो रहा है। एक बात ध्यान देना है कि जब भी ये प्रोसेसिंग हो रहा हो आपको बैक या रिफ्रेश पेज को नहीं करना है, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आरटीआई में एक प्रोविज़न दिया है कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करनी है और उस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं है, तो आप किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं भी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप क्या कीजिए, आरटीआई को फाइल कर दीजिए। फिर आप देखिए, ये पेमेंट अभी हो नहीं रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, प्लीज दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो 5 दिन के अंदर अंदर में जो भी आपका सेड डिपार्टमेंट होगा वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा और इस तरह से आप आरटीआई को फाइल कर सकते हैं।
आप घर पे करके देखना, ऐसा हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक RTI फाइल किया भी है, तो उसके स्टेटस, हमने एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट था जिसका 2003 में ही पास आउट था, लेकिन उसका एडमिशन स्लिप खो जाने की वजह से उसको मार्कशीट प्रोविजनल कुछ नहीं दे रहे थे, तो हमने उसका एडमिशन नंबर का पता इसी से RTI फाइल करके निकाला था। कैसे निकाला था मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, RTI ऑनलाइन पे हमने गए, उसके स्टेटस दिखा रहा हूँ जो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया है, और उसके स्टेटस भी फॉरवर्ड हो गई है, और उसको डिटेल्स मिल भी गई है, लेकिन यहाँ अपडेट नहीं है, वो अपडेट हो जाएगी लगता है मुझे 1-2 दिन में। देखिए यहाँ पे वो डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, जो आप एप्लीकेशन डालेंगे वही डालेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो सिक्योरिटी कोड होगी, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप स्टेटस को देख सकते हैं। क्या देख पा रहे हैं आप कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू CPIO 4/7/2018 को एक्शन हुआ है, 28/6 को हमने अप्लाई किया था, ठीक 5 दिन बाद अप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। आप अप्लीकेशन फॉर्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए। आप ध्यान से देखेंगे कि सारी डिटेल्स लिखी हुई है, और यहाँ पे PDF भी अटैच किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 10 रुपये में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।